तमाशा बना रखा है, मरीज करो फिर। Give me the complete list of these boys and I will see how you are going to take the exam. चलिए यारी आज। हिम्मत इतना हो गया कि आज आप मरीज का रास्ता रोकिए, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। चलो आ जाओ, आप हमको एक एक का नाम दीजिए। जाना तो अभी खड़ा, अभी क्या फोटोग्राफी हो रहा है ना प्रेस वाले, आप लोग जो शाम को दीजिएगा इन लोगों फोटोग्राफ, एंड आई विल सी हाउ दे डेयर टू डू लाइक दैट। मेडिकल स्टूडेंट्स एग्जाम का बैठा जाना चेंज कर दिया गया, जो 50 नंबर का क्वेश्चन आया था 100 नंबर का हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, अब किस पेपर में क्या क्वेश्चन आ रहा वो भी नहीं पता था, और एग्जाम का बैठा जाना चेंज कर दिया, सारा क्लिनिकल की तरफ पूरा क्वेश्चन को घुमा दिया गया, जिसकी वजह हम लोग का एग्जाम थोड़ा खराब किया था। उसके बाद ATU में जब बात की, ATU में बोला था कि ठीक है अचानक से आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलाते तो कॉपी का रिलियंट चेकिंग होगा, ऑलमोस्ट सबको पास किया जाएगा ये कहा गया था ATU में, हम लोग कह रहे थे। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये आ गया है कि अभी पहली बार, मतलब अभी तक के बिहार के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 40% बच्चा ऑलमोस्ट को फेल कर दिया है, जिसमें कुछ कुछ बच्चा को एक नंबर थे, किसी को दो नंबर थे, किसी का तो इवन ये है कि ऑब्जेक्टिव जो 10 नंबर का आता है उसमें कंप्यूटर जो चेक किया है तो जो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चेक किया है किसी में टिक और क्रॉस दोनों मर्ज कर दिया गया है, और एक ही वह ये बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है आपका आंसर या गलत है, इस वजह सारे आंसर को कैंसिल कर दिया गया है। आज क्या किया है यहाँ पर? OPD वगैरह बंद भी किए, OPD बंद भी हम लोग इस मांग में कर रहे हैं कि री एवोल्यूशन कराया जाए, जैसे यू बोल रहे हैं कि री टोटलिंग करवाया जा सकता है, री एवोल्यूशन नहीं कराया जा सकता है, जबकि आप क्वेश्चन में आप मार्क्स भी नहीं, 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपने 0 नंबर उसमें बैठा दिया, उसमें रिटोलिंग करवा के हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिटोलिंग करवाइए आगे क्या कुछ नंबर नहीं दिया गया। हम लोग का ये प्लान है कि कॉपी को रिवोल्यूट कराया जाए, फिर से चेकिंग कराया जाए उन लोग जी। क्या नाम बताइए? फैज इमाम, 2019 बैच एसकेएमसीएच भी है, वो भी बहुत अच्छे से कवर नहीं किया गया, बट सारे बच्चे अपने खुद के दम उन्होंने पढ़ाई करी, एग्जाम का डेट आया कैंसिल हुआ, फिर से दोबारा आया फिर कैंसिल हुआ, फिर आया तीसरी बार 5 मार्च से एग्जाम हमारा चालू हुआ, और वो एग्जाम हुआ 1 महीने तक, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है मतलब कुछ भी नहीं पता था, ठीक है सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पेपर 1 का क्वेश्चन क्या है, पेपर 2 का क्वेश्चन क्या है, कोई आइडिया नहीं था। अभी आप लोग चाल पाल मत कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, पेपर 1 पेपर 2 कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं था, फिर भी हमने एग्जाम दिया, ठीक है। और बच्चे विरोध वगैरह कर रहे थे क्या? अरे विरोध क्या है, सिंपल परीक्षा है, एग्जाम से पास फेल होने के सवाल है, इसमें मरीज का रास्ता रोकने की क्या सवाल कर रहे हैं, कम्प्लीटली आर्टिस्टिक वर्क है। बच्चे हैं नादान है, यहाँ खड़े हुए हैं, मरीज मेरा जा रहा है और इनकी जो भी मांग है आवाज़ें जाएगी, जो उचित कार्रवाई होना है होना है, और इनका जो प्रॉब्लम है वो ATU तक जाएगा, क्योंकि करने ये हॉस्पिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मेरे बच्चे हैं अच्छे हैं और मरीज के सामने आगे डॉक्टर बनने वाले हैं, इनको किसी ने सिखा दिया होगा कि यहाँ इमरजेंसी बंद करने से प्रतीकात्मक रूप से बंद हाँ जी।